गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12 एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल लेने कर आए हैं, जिसमें हम आपको जो सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे उस सॉल्यूशन का एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल बताएंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखें, हम एक एक करके न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो देखिए, बिलियन में हम आप लोग को सबसे पहले बताए थे कि कोई भी बिलियन होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक बिलियन में कितने पार्ट्स बताए थे? दो पार्ट्स। एक होता है सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है, जिसमें हम बताया था कि अगर बिलियन में जो घुला लेने की पावर रखता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं और जो घुल जाता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन हम आप लोग को बताया था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्वेंट कहेंगे और मिनिमम अमाउंट को सॉल्यूट कहेंगे। इस वीडियो को देखने के पहले अगर मेरा सॉल्यूशन का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखें, ताकि आपको न्यूमेरिकल सही सही समझ में आ जाए। तो चलिए, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, दोनों मिलकर एक बिलियन बनते हैं, यानी सॉल्यूशन तैयार होता है। हम आपको बताए थे कि कोई भी न्यूमेरिकल बिलियन को बनाने के पहले आप इस तरह से लिख लें। अब इसमें देखेंगे कि वेट कितना है, जैसे सॉल्वेंट कितना मिला हुआ है और सॉल्यूट कितना मिला हुआ है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन में जो वेट है सॉल्वेंट का वो W1 है और सॉल्यूट का वेट है जो क्या है W2 है। फिर सूत्र दिया हुआ रहेगा कि पानी में ग्लूकोज मिला हुआ है या शुगर मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, उस फार्मूला से हम मोलिकुलर वेट की गणना कर लेंगे। जैसे मान लो कि इसको मोलिकुलर वेट निकलकर M1 आया, इसका मोलिकुलर वेट निकलकर M2 आया। उसके बाद हम मोल निकाल लेंगे, तो मोल इसका हो जाएगा वेट बाय मोलिकुलर वेट और यहां हो जाएगा भी वेट बाय मोलिकुलर वेट। ये जो मोल आया ये आपका सॉल्वेंट का मोल आया, यहां से जो मोल आया ये किसका मोल आया? सॉल्यूट का मोल आया। अब हम यहां से तीन चीज निकालेंगे। जैसे मान लो कि पहले हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो प्रथम वीडियो में मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन और सूत्र सहित एग्जाम्पल हम बताए हैं। तो देख लीजिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हम बताए भी थे कि इसको एक्स से डिनोट किया जाता है। अगर आपका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन किस प्रकार निकलेगा? हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट का मोल, तो सॉल्वेंट का मोल है W1 बटा M1 बटे टोटल सॉल्यूशन का मोल। और टोटल सॉल्यूशन का मोल निकालेंगे तो पहले सॉल्वेंट का हो जाएगा फिर सॉल्यूट का हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे मान लो कि आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का मोल बटा टोटल बिलियन में उपस्थित कणों का मोल का योग होगा। अब यहां पे आप जानिए कि मोलारिटी कैसे निकालते हैं। तो मोलारिटी का न्यूमेरिकल बनाने का हम एक यूनिक ट्रिक लेकर आए हैं। जैसे देख लो, आपको निकालना है मोलारिटी। अगर आप नोट कर लिए होंगे तो हम इसे मिटा देते हैं। जैसे मान लो कि आपको निकालना है मोलारिटी, तो मोलारिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। मोलारिटी का होता है मोल प्रति लीटर। इसको हम मोल बटा लीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोल बाई लीटर। मोल किसका लेना है? मोल लेना है आपको सॉल्यूट का और लीटर किसका लेना है? सॉल्यूशन का। तो मोल का होता है वेट बटा मोलिकुलर वेट, तो सॉल्यूट का वेट बटा मोलिकुलर वेट, यानी कहने का मतलब हो जाएगा W2 बटा M2। और लीटर को ML के फॉर्म में लाना है तो हम इसको लिख देंगे ML मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार मेरा सूत्र निकल के आ जाएगा W2 गुने 1000 बटा M2 गुने ML। ये आपका मोलारिटी का सूत्र निकल के आ गया, जिससे आपका न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व हो जाएगी।
फिर एक है आपका पढ़ना मोलालिटी, अभी आप पढ़ा मोलारिटी, अब है एक और मोलालिटी। तो मोलालिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल प्रति केजी, जिसमें आपका मोल बटा केजी कह सकते हैं इसको। मोल किसका लेना है ध्यान दीजिएगा, आप मोल सॉल्यूट के लेंगे और केजी किसका लेंगे सॉल्वेंट का, ये ध्यान देना होगा मोलारिटी या मोलालिटी में। तो उसका मोल है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का हो गया डब्ल्यू टू बटा एम टू, यहां पर हम लिख देंगे डब्ल्यू टू बटा एम टू, और केजी को ग्राम के फॉर्म में लिखेंगे तो ग्राम बाई क्या हो जाएगा 1000। इस प्रकार आपका आ जाएगा डब्ल्यू टू गुने 1000 बटा एम टू गुने जीएम। इस फॉर्मूले से आप मोलारिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्रमाणित करके दिखाते हैं कि जो हम आपको मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी का जो हमने फॉर्मूला निकाला, इस फॉर्मूला के प्रयोग करके हम चुटकियों में कैसे न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो आइए बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का है, आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है एथिलीन ग्लोकाइल के मोल अंश की गणना करें। क्या कह रहा, मोल अंश की गणना करना है जिसमें 20% C2H6O2 मिला हुआ है। अब है कि यहां ये घुला हुआ है किसमें, वाटर में। यहां पर देखिए फिर से आप बनाइए सॉल्यूशन, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्यूशन का सोल्व करेंगे तो ये आपका लिखना जरूरी होगा। जैसे तो चलिए हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि एथिल ग्लोकाइल के मोल अंश की गणना करना है, मोल अंश मतलब मोल फ्रैक्शन की गणना करना है, इसमें 20% द्रव्यमान घुला हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि एक बिलियन है, आप एकदम सीरियल से देखेंगे एक बिलियन है, तो बिलियन में क्या क्या चीज होता है अभी बताए, एक सोलवेंट होता है और एक सॉल्यूट होते हैं। अब यहां पे देखिए कि वेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, यहां सॉल्वेंट के रूप में जल है यानी H2O है, और सॉल्यूट के रूप में क्या है C2H6O2 है। कह रहा है कि इसका वेट, सॉल्यूट का वेट 20% है, यानी यहां W2 का मान दे दिया है 20%, तो सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा, W1 का वेट हो जाएगा 80%, यानी 80। अब इसका मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, तो इसका मोलिकुलर वेट आप, जल है, जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 + 16 ले सकते हैं, यानी 18 आ जाएगा, यानी यहां M1 का मान कितना आ जाएगा 18। अब हम इसको निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है C2H6O2, कार्बन का 12 × 12 = 24 और हाइड्रोजन का 1 × 1 = 6 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 16 × 32 जोड़ेंगे 6 × 4 = 10 यानी 30 और 32 कितना हो जाएगा 62। यहां पे आपका M2 का मान आ जाएगा 62 यानी 62। आप कोई भी न्यूमेरिकल बनाएं तो पहले इतना चीज लिख लेंगे। अब उसके बाद कह रहा कि मोल अंश की गणना करें, मोल अंश की गणना करें, किसके मोल अंश की, इस सूत्र का यानी एथिलीन ग्लोकाइल के। तो हम यहां पर निकाल देंगे, सबसे पहले मोल अंश निकालने के लिए हमको मोल की जरूरत पड़ेगी, तो मोल लिख देंगे, मोल हो जाएगा वेट बटा मोलिकुलर वेट यानी 80/18, यहां पर ही हो जाएगा मोल वेट बटा मोलिकुलर वेट माने 20/62। अब हमको मोल अंश का रहा किसका निकालने, C2H6O2 का, तो इसका मोल बटा टोटल सोल्यूशन में उपस्थित कंपाउंड का मोल, तो इसका मोल है 80/18 और टोटल का हो गया 80/18 + 20/62। अब हम इसको लिख सकते हैं, जैसे 80/18 है तो 80 में अगर हम 18 से डिवाइड, चलिए तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है,
तो C2H6O2 यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कह रहा है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा इसका मोल, तो इसका मोल है 20 बटा कितना 62 बटा टोटल सॉल्यूशन का मोल, तो टोटल का हो गया 80 बटा 18 और इसका हो गया 20 बटा 62। आप चाहें तो इसको सोल्व कर लेंगे आसानी से, जैसे देख लो 20 में अगर हम 62 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.322, इसका मान आ जा रहा है 0.32, और 18 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे 80 में, 18 से डिवाइड करेंगे 80 में तो कितना आ रहा है बच्चों 4.44 प्लस इसका तो यही हो जाएगा 0.32। अब यहाँ पे लिख देंगे 0.32 और इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6 चार 3 7 यानी 4.76। अब 4.76 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.6 कितना आ रहा है चलो, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.06। तो इस प्रकार आपका मोल फ्रैक्शन निकला इसका 0.06। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कैसे करेंगे देखिए, हम आपको बताएं कि कोई भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको लिखना होगा बिलियन बराबर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो यहां लिख दिए बिलियन बराबर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी कहने का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग प्रकार से देखना होगा। तो हम पहले सॉल्वेंट इसमें देख रहे हैं कि उस बिलियन की मोलारिटी ज्ञात कीजिए जिसमें इतना ग्राम NaCl बिलियन घुला हुआ है। किसमें घुला हुआ है, जल में घुला हुआ रहेगा, यानी इसका जल है और घुला हुआ है इसमें कितना NaOH। तो सबसे पहले इसका वेट देखेंगे तो W1 का दिया हुआ है मान, जैसे यहां पर दिया हुआ है 5 ग्राम NaOH दिया हुआ, यानी W2 का मान दिला है 5 ग्राम, और सॉल्वेंट का नहीं दिला, इतना बिलियन में घुला हुआ है, तो इसका W2 मालूम है। अब हम यहां से इसमें नहीं पता है कि कितना इसका सॉल्वेंट होगा, तो यहां से अब M2 के मान M1 के देखेंगे तो M1 जल है, तो जल का हो जाएगा कितना 18 अभी निकाले, और यहां से M2 का मान आ जाएगा, पूरा निकालो सोडियम का, तो OH सोडियम का 23 ले लेंगे प्लस 16 प्लस 1 16 17 यानी 40 आ जाएगा। और पूछ रहा क्वेश्चन में कि इसका मोलारिटी निकालिए, तो मोलारिटी के हम बताए थे कि मोलारिटी, इसी को हिंदी में मोलारिटी कहा जाता है, मोलारिटी बराबर होता है W2 गुने 1000 बटा M2 गुने ML। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि W2 का मान मेरा कितना दिला है 5 ग्राम, और 1000 बटा M2 का मान कितना दिला है 40, और फिर कह रहा है कि ML यानी कितना सॉल्यूशन में है, तो 450 ML दिला है, तो ये हो जाएगा 450। आप 0 से 0 उड़ा सकते हैं जहाज की तरह, और यहां से लिखेंगे 45 यानी आपका आ जाएगा 10 बटा 9 चक्कर 36। आप 10 में 36 से डिवाइड करिए 0.278, तो कितना आ रहा है बच्चा 0.278, यानी इस प्रकार आपका मोलारिटी निकल कर आया 0.278। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आप मेरा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, आप हरेक न्यूमेरिकल को चुटकियों में उड़ा देंगे। जैसे देखिए आपका 3 क्वेश्चन है, 3 में क्या कह रहा कि 2.5 ग्राम इतना है, यानी सॉल्यूट का मान कितना दे रहे हैं W2 का मान दे रहे हैं 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम एथनोइक अम्ल में इतना बेंजीन के बिलियन की मोलारिटी निकालना है, यानी बेंजीन है कितना 75 ग्राम, यानी आपका आ गया W1 का मान। अब है कि यहां बेंजीन है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, और इसमें क्या घुला हुआ है जी CH3C डबल OH। आप यहां से मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं,
तो मोलिकुलर वेट बेंजीन का हो गया बच्चक 72 + 6 = 78। अब यहां से आप इसका निकालेंगे CH3COOH का, तो कार्बन का 12 + 3, कार्बन का 12 + 16 = 32 दूगो है ओवन। आप ऐड करेंगे तो पूरा ऐड होके कितना आ जाएगा 60। सही है। चलिए तो आप लोग के भरोसे को क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि आप 60 लाए, चलिए खुशी हुई। अब यहां से देख रहे हैं कि इसका पूछ रहा है मोलालता निकालना है। क्या निकालना है? मोलालता। मोलालता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी। लिटी या रिटी में ध्यान देना है, वह है मोलारिटी, यह मोलालिटी। तो मोलालिटी बराबर होता है W2 × 1000 / m2 × gm, जिसमें आपको बताया गया था कि जीएम जो लेना है वो किसका लेना है, सॉल्वेंट का। तो यहां W2 क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 2.5 × 1000 / 60। m2 का मान कितना है 60, और जीएम मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट निकालना है, तो सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा 75 दिया हुआ ना। अब आप लोग तेज हैं, सोल्व कर लेंगे, आप सोल्व करेंगे और हमारे वीडियो के नीचे जाकर कमेंट में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। आप लोग पर हम छोड़ रहे हैं। अब देखेंगे इन सारे क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। इसमें आपका मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों की गणना करना है। तो आप ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को देखें ताकि आपको इस क्वेश्चन से इन तीनों क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन में आसानी होगी। जैसे लिखा हुआ है कि 20% जलीय विलयन क्यारी का घनत्व इतना दिया हुआ है। यहां पे देख लीजिए, हमने क्या बताया कि सॉल्यूशन के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आंख मुन्ना है, मुन के लिख देना है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। क्या लिख देना है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। यहां कह रहा है कि 20% जलीय विलयन, जलीय विलयन मतलब हुआ कि सॉल्वेंट है H2O और सॉल्यूट है KI, यानी KI है जो जल में घुला हुआ है, और इसका वेट दिले है यानी W2 का मान दिला है 20। तो याद रखिए W1 का मान हो जाएगा 80। अब कह रहा है कि इसका घनत्व दिया हुआ है इतना। यहां से आप मोलिकुलर वेट पहले निकाल लीजिए, तो मोलिकुलर वेट जल का तो अभी बताया कि 18 होता है, और इसका मोलिकुलर वेट KI का आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, K का होता है 39 और I का होता है 126.99, तो आप 127 लिख लीजिए। आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 166। चलिए आप लोग भी गते गते तेज हो रहे हैं। अब यहां से हम मोल की अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में मोल की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको लिख लीजिए 80/18 और इसका हो जाएगा 20/166। अब यहां से एक चीज और पहले सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है घनत्व, घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, डेंसिटी। आप लोग खूब पढ़े होंगे 9th क्लास में कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। ये पूरे सॉल्यूशन की जो बात हो रही है, पूरा सॉल्यूशन कितना परसेंट है, 100% होता है। हमने यहां से 80 या 20 लिए, यानी पूरा सॉल्यूशन का जो वेट दिया हुआ है यानी मास जो है वो कितना है, 100 है। तो डेंसिटी दिया हुआ है 1.202 और मास हो जाएगा कितना, 100। अब बच्चे सोचेंगे कि सर 100 तो कहीं क्वेश्चन में है ही नहीं, सॉल्यूशन परसेंटेज की बात हो रही है और हम परसेंटेज 100 पर निकालते हैं, यानी मान लेते हैं कि बिलियन कितना था, 100% है। तो 100% यानी मास है कितना, 100 है। यहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, तो वॉल्यूम निकालने के लिए भी बराबर हो जाएगा 100/1.202। आप लोग भागा देने में तेज हैं, तो बताइए 100 में अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 83.19। लो आप डिवाइड करके 9 83.19। तो यहां से मेरा वॉल्यूम पता चल गया, यानी इसका आयतन पता चल गया है। किसका आयतन पता चला, बिलियन का। ये आप इसको नोट्स करके रखेंगे। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में पहला कि मोलालता ज्ञात करें, मोलालता माने मोलालिटी।
अब मोलालिटी का जो मान होता है बउआ, मोलालिटी का जो अभी सूत्र बताए वो बताए डब्लू टू गुने 1000 बटा एम टू गुने जीएम। तो डब्लू टू क्या है, डब्लू टू का मान है 20 और गुने 1000 बटा एम टू, एम टू का मान कितना है 166 और गुना जीएम, जीएम किसका था सोलवेंट का, तो सोलवेंट का मान कितना ले लेंगे 80। आप इसको सोल्व करेंगे तो किसका मान पाएंगे मोलालिटी का। आप सोल्व करिए, हमारे कमेंट में जाकर इसका आंसर लिखिए, हम देखेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि यहां से आपको निकालना है मोलारता, तो मोलारता कैसे ज्ञात करेंगे, मोलारता मोला रीटी, लीटी या रीटी में कभी मिस्टेक नहीं करना है, मोला रीटी। तो मोला रीटी का सूत्र बता डब्लू टू गुने 1000 बटा एम टू गुने एम एल। अब है कि यहां डब्लू टू का मान कितना है 20 गुना 1000 बटा एम टू का मान कितना है 166। अब एम एल का मान वॉल्यूम, वॉल्यूम का मान कितना आया 83.19। आप इसे सोल्व कर लें, सोल्व करने से आपका मान निकल जाएगा मोला रिटी का। और हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास 12th का विद्यार्थी हैं, आप सॉल्यूशन में मिस्टेक नहीं करेंगे, हमसे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन कर लेंगे। अब है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोल अंश की गणना करना है। अब यहां ये नहीं बताया कि किसका मोल अंश निकालना है, तो सॉल्यूशन में दो एक कंपाउंड है, दोनों का मोल अंश निकाल लेंगे। तो पहला हम मोल अंश निकालेंगे H2O का, H2O का यानी सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का मोल बटा टोटल सॉल्यूशन में उपस्थित कंपोनेंट का मोल, तो ये हो जाएगा 80 बटा टोटल का मान निकालेंगे तो 80 बटा 18 प्लस 20 बटा 166। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि KI का यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल के सोल्व किए बंधु, अगर कोई विद्यार्थी इसको सोल्व किया है चलो। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है, मोल अंश की गणना करें। यहां पे इस क्वेश्चन का तीसरा है मोल अंश की गणना करें, तो चलिए मोल अंश की हम गणना कर लेंगे। तो पहले हम मोल अंश निकाल लेते हैं H2O का, तो H2O का मोल अंश बराबर होगा H2O का मोल, तो H2O का मोल हो गया 80/18 और इसका हो जाएगा पूरा का हो जाएगा 80/18 प्लस 20/166। आप इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके अगर आपको KI का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप जानते हैं एक चीज देख लीजिए कि अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का मान कितना होता है 1 होता है, अगर इस मान को निकाल के एक में से अगर घटा देते हैं तो आप KI का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अगर नहीं चाहते हैं घटाना तो आप लिख देंगे इस प्रकार एक्स के आई बराबर इसका हो जाएगा 20 बटे 166 बटा टोटल का, तो टोटल हो गया 80/18 प्लस 20/166। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं और आप जानते हैं कि एक्स एच टू ओ प्लस एक्स के आई का मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि किसी बिलियन में उपस्थित टोटल कंपाउंड का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका मान 1 होता है। इसी प्रकार और भी मजेदार तरीका से आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।